और सरकार व्यस्त है, आपको लगता है कि कहां सरकार मातोश्री के बाहर व्यस्त है। राणा दाम्पत्य ने उनको काम पे लगाया हुआ है, पिछले दो दिन से सरकार रस्ते पे है और ये दुनिया में आप कहां भी नहीं देख सकते। हनुमान चालीसा का पाठ का जो शुरुआत है लगभग आप ही लोगों के तरफ से हुआ, आप सभी लोग उसके पीछे। देखिए ना, मुझे उद्धव साहब क्या है पता ही नहीं चलता, ये सरकार क्या है मुझे पता नहीं चलता। देखिए, इनके घर के बाहर हनुमान चालीसा लगाएंगे बोलेंगे इसके लिए वो लोग आए हैं तो ये इनको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर के बाहर हजारों बहुत सालों से जो भोंगा चालू है वो उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलेंगे। मगर हमको तबलीग होगी तो चलेगा, हम रोज आजान सुने और वो ये एक दिन के लिए हनुमान चालीसा नहीं सुनेंगे, ये कौन सा न्याय है? ये आक्रामकता बढ़ेगी, ये तो बहुत बढ़ेगी। तीन आपका जितना आपने लोगों ने कहा है कि 3 तारीख के बाद भी ये शांत नहीं बैठेंगे और अल्टीमेटम दिया है उसके अभी, बाद अभी तो मैं क्लियर बोलता हूँ कि अगर उद्धव साहब को उनके घर के बाहर अगर हनुमान चालीसा नहीं चलेगी, उनको तफलीक हो रही है, तो हमारे घर के बाहर आजान कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, हमको भी तफलीक होता है। 3 तारीख के बाद निश्चित रूप से नहीं चलने देंगे। 3 तारीख के बाद आपको आपको एक तो सबसे पहले ठीक से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मालूम है? जी जी, बराबर है ना। तो हम हमारे जबान पे और हमारे साहब का जो आदेश है वो पालने के लिए हम तत्पर है, हमारे सब महाराष्ट्र सैनिक तत्पर है। 3 तारीख के बाद हर एक मस्जिद के बाहर हमारे हनुमान चालीसा लगेगी।